शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ पठान, हम इसे ढूंढ रहे हैं। इसके बारे में क्या जानते हो? क्या नाम है इसका बोलो? हीराचंद मेहता, यानी कोई स्टॉक ब्रोकर है, लेकिन असल में बहुत बड़ा हवाला ट्रेडर है। मानिक राव, वालिया, प्रधान, इन सब के दो नंबर के माल का हेर फेर यही करता है। इसको पकड़ लो, सबकी कुंडली मिल जाएगी। वैसे ये मिलेगा कहाँ? सूरत। सूरत, हीराबाग सोसाइटी। ठीक है, आप लोग सूरत जाने की तैयारी करो। सर, ठीक है ना हीराचंद? चिंता मत करो अग्रवाल सेठ, 15 साल से हूँ हवाला के धंधे में, तुम्हारा काम हो जाएगा, पैसे पहुंच जाएंगे। हाँ एक मिनट। हाँ वालिया सेठ, हीराचंद बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं रघु शेट्टी के बार में बैठा हूँ अग्रवाल सेठ के साथ, आ जाऊँ क्या मिलने? हीराचंद, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मोबाइल पे फोन मत किया करो। अजीब है ये वालिया भी। सभी लोग आगे हैं, आप आरती के लिए आ रहे हैं ना? मुझे भी दो ना। अच्छा एक मिनट, राहुल से बात कीजिए। क्या? एक मिनट वालिया, सबका फोन टेप किया, रिकॉर्ड रूम यान इतने फोन मार पो। ओके यान फोन मार पो। हां वालिया सेठ, हीराचंद बोल रहा हूं। अच्छा मैं रघु शेट्टी के बार में बैठा हूं अग्रवाल सेठ के साथ, आ जाऊं क्या मिलने? हीराचंद, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मोबाइल पे फोन मत किया करो। डैम, चलो कम ऑन। संपाजी बाबा, Yeah!
चल चल बच्चों निकल, खिलखान साले लेते, चल। अप्पा अप्पा अब मैं ठीक हूँ यार। अप्पा खिलकर ले जा उसका। अप्पा बहुत दर्द हो रहा है ना, अब मैं तुझे यहां से जिंदा जाने नहीं दूंगा। ठोक डाल साले को, ठोक डाल साले को। जानन बे अबे इजरे मर्द का मार रहा है तू, मर्द का अब्बा का मार रहा है ना, तो इधर मार, इधर तब मरेगा अब्बा, मार रहा तेरे साला लट्ठों को टक्कर, मार रहा आपके पति बहुत बहादुर अफसर थे, उनके बलिदान को पुलिस फोर्स हमेशा याद रखेगी। पूरा पुलिस परिवार आपके साथ है, किसी भी चीज की जरूरत हो बेझिझक कहिएगा। जरूरतों की चिंता नहीं है मुझे, बल्कि अफसोस है तो सिर्फ इस बात का कि मेरे घर का एक सिपाही कम हो गया है। मैं चाहती हूं कि आप मेरे बेटे को भी अप्पा जैसा बहादुर अफसर बनाए। कहां जा रहे हो, ये क्या हो रहा है, ये क्या बेवकूफ है, पागल मत बनो, होश में आओ। देखो वो लोग चाहते ही है कि हमसे ऐसी कोई गलती हो जाए। मीडिया वाले हमारे पीछे पड़े हुए हैं, ह्यूमन राइट्स वाले हमारे ऑलरेडी पीछे पड़े हुए हैं। देखो देखो मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं, इसलिए बड़े भाई की हैसियत से बात कर रहा हूं। जिंदगी भर जिन उसूलों पर चलने के लिए तुम जोर देते रहे, आज उन्हीं उसूलों को खुद तोड़ना चाहते हो। और ये भी तो सोचो, इस केस को सॉल्व होने में देरी कितनी है। वी हैव ऑलमोस्ट डन इट।